किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। ये सब झूठे वायदे हैं और हमेशा ऐसी चीजें झूठ बोलते 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 उन्होंने दो इलेक्शन जीता, ये तीसरे इलेक्शन में नहीं चलेगा। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और MSP मैं बढ़ाऊंगा और MSP को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का, कुछ भी नहीं है, क्या है। और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और यह आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास, तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना, ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हों कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है, सिर्फ बाकी के बाद पीछे के बातें कुछ बोलकर। कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया, और अरे जो असल चीज है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? कह रहे 5 साल हम मुफ्त अनाज, फिर दोबारा जो स्कीम है उसको चालू रखें। अरे तुम ने, आप कह देते हैं, हमने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, हम तो कानून ला के लोगों को वो लीगलाइज कर दिए। तुम 5 KG अगर हमारा राशन में बढ़ोतरी की तो वो कोई बड़ा उपकार नहीं है कि ये 35 जो केजी पहले हम देते थे उसको ऐड हुआ। हर स्टेट में आपको मालूम है, कोई स्टेट में फ्री देता है, कोई स्टेट में 1 रुपए दिया पहले शुरू में, अब वो 5 KG फ्री दे रहे हैं। कह रहे बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन चलेगी, दक्षिण भारत में एक, पूरी भारत में एक बुलेट ट्रेन चलेगी। तो पहले तो बोले कि अहमदाबाद टू बॉम्बे बुलेट ट्रेन लाने का बोले, जो आदमी 500 किलोमीटर अब तक बुलेट ट्रेन नहीं लाया, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कब लाएगा, और वेस्ट बंगाल से लेकर अपने गुजरात तक कब लेके जाएगा। ये सब झूठे वायदे हैं और हमेशा ऐसी चीजें झूठ बोलते 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 उन्होंने 2 इलेक्शन जीता, ये तीसरे इलेक्शन में नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एक बार विश्वास रखते हैं। सीए लागू करने की बात दोबारा से लागू करेंगे आप? ये देखिए, ऐसे चीज इस वक्त बोलने के बजाय वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के लिए, उनके युवाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, ये पहले बता दो, बाकी के बाद हम
उसको रिएक्शन देंगे। रेवड़ियों की बहुत बात करते हैं पीएम मोदी, उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के थ्रू हर घर को देंगे। देखो पहले तो लोगों को रेवड़ी बोले आप, पहले तो लोगों को अगर राशन दिए तो भी क्रिटिसाइज करें, अब हम मुफ्त बिजली देंगे, कहां से देंगे आप? तो हम जब देते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और वही वोटों के लिए आप लोग करते हैं। तो ये समझिए कि हमारी बहुत सी जो गारंटीज है उससे घबरा कर उन्होंने ये सारी चीजें कही है, जो ये उनका लोगों को मिलना नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि फर्स्ट गारंटी हमने जो हिमाचल में दी वो निभाई, दूसरी गारंटी हम कर्नाटक में दी वो निभाई, तीसरी गारंटी का जो ये खोला वो तेलंगाना में दिया वो कर दिए। हम तो वायदे पूरे करते हैं। अरे बाबा, तुमने जो वायदे किए थे वही अगर आप अनुष्ठान में नहीं लाए तो आगे क्या करने वाले हैं? लोगों का तो भरोसा उठ गया है। सर एक अंतिम बात उन्होंने कही कि जिन लोगों ने गरीबों को लूटा हुए जेल जा रहे हैं और ऐसे कड़ी कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये जिन जो लोग लूटे वो उनके झोली में है, उनके क्या बोलते हैं आप, उनके लैब पे बैठे हैं और वो शाह के वॉशिंग मशीन में जाके क्लीन होकर बाहर आए हैं। और अब तक उन्होंने जो 25 लोगों को ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जो केस डालकर उनको डरा के धमका के लिया है, फिर वो तो भ्रष्ट थे ना भाई। अगर भ्रष्टाचारियों को आप नहीं छोड़ने वाले हैं तो उनको पकड़ लेके अपने पार्टी में क्यों लिए, अपने गोद पे क्यों बिठाए? ये सबको मालूम होता, खुद ये लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए ये चीजें करते हैं।